बात करते हैं बसपा के कमबैक प्लान की। चार बार यूपी की सियासत में कब्जा जमाने वाली बसपा इन दिनों अपने पुराने दिनों की तलाश में है और पुराने दिनों की चहल एक बार फिर उसे पुराने पैटर्न की तरफ वापस मोड़ दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बसपा गांव चलो अभियान चला रही है। आज इस अभियान को लेकर लखनऊ में बैठक हुई। दरअसल बसपा के नेताओं की कोशिश उस दलित वोटर को पार्टी के साथ दोबारा जोड़ने की है जो बीते सालों में धीरे धीरे कर मायावती से अलग हो। जो काम मायावती की बहुजन समाज पार्टी 2007 के चुनाव के बाद से कभी नहीं कर पाई उसे पूरा करने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक दी गई। यूपी की सियासत में खोया हुआ जनाधार कैसे वापस लाया जाए, भाजपा के साथ साथ सपा से आगे कैसे निकला जाए और जनता के मन में विश्वास कैसे जगाया जाए, इसे लेकर बसपा के खेमे में कई दिनों से मंथन जारी है। पिछले कुछ दिनों से मायावती लगातार राज्यों के प्रभारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उस उत्तर प्रदेश की है जहां वो चार चार बार मुख्यमंत्री बनी। माना जा रहा है कि बसपा फिर से अपने दलित फैक्टर पर तेजी से लौटने वाली है। बसपा ने गांव चलो अभियान की मुहिम को और धार दी है। बसपा का नया नारा है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस नारे के जरिए दलित वोटर में नया जोश पैदा करने की कोशिश की गई है। इस अभियान को रफ्तार देने के लिए बूथ स्तर पर कमेटियां गठित हो चुकी हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिए थे तो उसमें लखनऊ मंडल में हम सभी लोग लगातार जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी के साथ साथ सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं और जो कमेटी का काम है तो गाँव-गाँव जाकर बूथ कमेटियों का, सेक्टर कमेटियों का गठन कर रहे हैं। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों से साफ कहा है कि गांव-गांव जाकर कैडर वोटर को समझाने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर खास जोर देना है जो पार्टी से दूर हो चुके हैं। मायावती की कोशिश है कि पार्टी से दूर होने वाले वोटर दोबारा उनके साथ जुड़े। अगले 3 महीने तक करीब 1,70,000 बूथों पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मायावती के दिए नारे को बुलंद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे के साथ गांव-गांव तक जाने के अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उसका एक बड़ा वोट बैंक है, जरूरत है तो उसे पार्टी के साथ जोड़े रखने की। इसीलिए पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों पर भी फोकस कर रही है। पार्टी एक तरफ जहां गांव-गांव चलो अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में जो बूथ स्तर की कमेटियां हैं वहां पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। बसपा के कोऑर्डिनेटर्स ने इस अभियान को लेकर बैठकें भी शुरू कर दी हैं। सोमवार को लखनऊ मंडल की बैठक हुई। बैठक में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा के वोटर बड़ी संख्या में हैं, बस जरूरत है तो उन्हें दोबारा जोड़ने की। यानी पार्टी का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों के उन मुद्दों पर है जिन्हें लेकर अगर काम किया जाए तो वोटर साथ जुड़ जाएगा। हम लोग जल्दी से जो है तेजी से गांव-गांव में जाकर जो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का निर्देश है कि गांव-गांव में जाना है और जो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इस बात को गांव-गांव में एक एक मतदाता को समझाना है और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को जो हमारा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी। यानी भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, हर कोई अभी से ही जमीन पर उतरने लगा है। लेकिन भाजपा का दावा है कि कोई कितनी भी तैयारी कर ले भाजपा को जनता के दिल से कोई नहीं निकाल पाएगा। बसपा के पास अब कुछ नहीं बचा है। बसपा की नीतियों से, बसपा की नियत से, बसपा के नेताओं की नियत से जनता विमुख हो चुकी है, उनके साथ नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के भविष्य का फैसला करेगा। हालांकि बीते कई चुनावों में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब माना गया, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने पर बसपा का हाथी दौड़ने की बात तो दूर, चलना तक भूल जाता है। फिर चाहे इसके लिए 2019 विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जाए या फिर 2014 लोकसभा चुनाव का। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।